अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन रिपल टैंक के बारे में ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे प्रीवियस वीडियोस में वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, एक अपरेटस जिसका नाम रिपल टैंक था, और रिपल टैंक को बनाने का हमारा पर्पस था टू स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स। लेकिन वाटर वेव्स की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स थी जिनको हम रिपल टैंक की हेल्प से स्टडी करना चाहते थे? वो तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं। There are three characteristics which are discussed in your 10th class book, which we are studying with the help of ripple tank. The first characteristics which we have studied in the previous video was the reflection of water waves, जो कि हम study कर चुके हैं, reflection of water waves, और उसके बारे में मैं आपको marking भी करवा चुका हूँ। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका था, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, और उसकी दो डायग्राम भी मैंने आपको कहा था कि 10.13 ए एंड बी, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में बनानी है इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। और उसका लॉन्ग क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो बच्चों, आज हम वाटर वेव्स की सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, एंड दैट सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स इज़ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जिसकी डेफिनेशन पेज 14 पर सबसे टॉप पर आपको इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ये इसकी डेफिनेशन। और अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में, अगर ये पेपर में आए, तो फिर आपने डिफाइन करने के बाद, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को डिफाइन करने के बाद, आपने पेज 13 पर पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्रैक्शन की, उसके बाद आप पेज 13 पर जाएंगे, उसकी मार्किंग आप यहाँ से, ये आपने द स्पीड ऑफ द वेव इन अ वाटर डिपेंड्स, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ तक आप इसको एंड कर देंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। और रिफ्लेक्शन की तरह इसमें भी आपको दो फिगर बनानी पड़ेगी इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज़ द फिगर 10.14 एंड सेकंड फिगर इज़ द 10.15 व्हिच इज़ गिवन ऑन द पेज 13। तो ये आपकी इस बुक की मार्किंग है, जो आपको पेपर में लॉन्ग में आए तो कितना लिखना है, और शॉर्ट में तो जाहिर सी बात है आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अब आइए बच्चे, इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन कहते हैं किसे? व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मींस व्हेन वेव्स, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, जब वेव्स एक मीडियम से चलते चलते दूसरे मीडियम में इंटर हों, तो ये वेव्स अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से हट जाती हैं। दे चेंज देयर पाथ ऑफ ट्रेवलिंग, दे बेंड, जैसे ही ये सेकेंड मीडियम में इंटर होंगी, दे बेंड देयर पाथ, वो अपना रास्ता तब्दील कर लेंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इनका ओरिजिनल पाथ तो ये डॉटेड लाइन है जो आपको नज़र आ रहा है, इसका असल पाथ ये डॉटेड लाइन है, लेकिन जैसे ही ये वेव्स फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर हुई, तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स व्हेन दीज इंटर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, दिस चेंज इन डायरेक्शन इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन। और याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हर किस्म की वेव्स में होता है, वेदर दे आर वाटर वेव्स, वेदर दे आर साउंड वेव्स, या ये लाइट वेव्स हों, हर वेव्स में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, हर वेव्स में। लेकिन हमारा टॉपिक रिपल टैंक से रिलेटेड है,
इसलिए हम अपने आज के टॉपिक में सिर्फ वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन पर ही फोकस रखेंगे, वरना रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हर वेव्स में ही होता है। और दूसरा, मैं ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, या आखिर मीडियम का क्या मतलब है। आम ज़िंदगी में अगर हम मीडियम की बात करें तो जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मीडियम मौजूद है, एयर, एयर का एक मीडियम है। लाइट है या साउंड है, वो एयर से किसी दूसरे मीडियम में कैसे जा सकती है। कोई और मीडियम की बात करें तो वाटर, वाटर भी एक मीडियम है। इसी तरह ग्लास, ग्लास भी एक मीडियम है। इसी तरह डायमंड है या कोई और मेटल है, वो भी एक मीडियम है। तो ये है मीनिंग मीडियम का, कि किसी एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम हो या सेकंड से फर्स्ट में जाना हो, तो फिर भी वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। एंड दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन। लेकिन हमारे रिपल टैंक के टॉपिक में मीडियम का क्या मीनिंग होगा, हम फर्स्ट और सेकंड मीडियम कैसे क्रिएट करेंगे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बुक में, जब हम बुक की रीडिंग करेंगे। तो ये तो हुई रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। आइए अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर चलते हैं और पेज 13 पर इसकी रीडिंग को दोबारा स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से नीचे दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर। पानी वाली जो वेव्स है, पानी की वेव्स की स्पीड डिपेंड करती है पानी की डेप्थ पर। पानी की डेप्थ कितनी है, इस पर डिपेंड करती है। कहीं पर पानी कम गहरा है, कहीं पर पानी ज़्यादा गहरा होता है। जहाँ पर पानी की गहराई कम हो, उसके लिए जो वर्ड यहाँ इस टॉपिक में यूज़ किया गया है, वो वर्ड है शैलो वाटर। शैलो, ये वर्ड यहाँ दिया भी हुआ थर्ड लाइन में, शैलोअर, ये मीनिंग होगा। इसका मीनिंग होगा कम गहरा पानी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की थी कि हम रिपल टैंक में दो मीडियम कैसे क्रिएट करेंगे। जाहिर सी बात है, हमें तो रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। और आपको पता है कि रिपल टैंक में मैंने एक ट्रे यूज़ की थी, एक ग्लास की ट्रे थी, उसके ऊपर मैंने पानी को यूज़ किया था। तो हमारा तो यहाँ मीडियम एक ही है, वाटर। तो हम इस एक ही मीडियम से दो मीडियम कैसे क्रिएट करेंगे, ताकि हमें पानी की रिफ्रैक्शन क्लियरली हमें ऑब्जर्व हो सके। तो उसका तरीका सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि इफ़ अ ब्लॉक इज़ सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, अगर आप रिपल टैंक के पानी में एक ब्लॉक को रख दें, सबमर्ज, डबो दें ब्लॉक को, कोई लकड़ी का ब्लॉक ले लें, तो क्या होगा कि ब्लॉक को रख देने से किसी एक जगह पर पानी की गहराई ज़्यादा हो जाएगी और किसी दूसरी जगह पर पानी की गहराई कम हो जाएगी। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर, पानी की डेप्थ टैंक के अंदर कम गहरी हो जाएगी ओवर द ब्लॉक, ब्लॉक के करीब करीब, देन एल्सवेयर, और किसी दूसरी जगह पर पानी की गहराई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दो मीडियम रिपल टैंक की ट्रे, जो ग्लास की बनी हुई है, इसमें हम दो मीडियम जनरेट आराम से कर सकते हैं, ताकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स को रिपल टैंक की स्क्रीन के ऊपर क्लियरली हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। और ये भी आप याद रखिएगा, रिपल टैंक की स्क्रीन कहाँ पर थी, ट्रे के बिल्कुल नीचे रखी हुई थी हमने। और स्क्रीन क्या थी, आप बेशक कोई वाइट कलर का पेज रख दें तो वो आपकी स्क्रीन बन जाएगी। अब होगा क्या कि व्हेन वाटर वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, जब वाटर वेव्स ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी, इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, तो देखने में आएगा देयर वेव लेंथ विल डिक्रीज, तो उनका वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये पानी वाली वेव्स ज़्यादा गहरे पानी से चलते चलते कम गहरे पानी की तरफ आएंगी, तो उनका वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और इस वेव लेंथ के डिक्रीज़ होने को कैसे शो किया गया, मैं ज़रा इसको अलग से हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वेव लेंथ डिक्रीज होगा। ये देखें ज़रा आप इस डायग्राम को, आप देखें जो मैंने यहाँ पर बनाई है बोर्ड पर। ये वो स्क्रीन है रिपल टैंक की, जहाँ पर आपको ये स्ट्रेट वेव्स आपको नज़र आएंगी। रिपल टैंक की प्लेट पर, ट्रे पर आपने वेव्स को नहीं देखना,
आपने रिपल टैंक की स्क्रीन पर देखना है कि ये वेव्स कैसे चल रही हैं। रिपल टैंक की स्क्रीन पर आपको वेव्स जो चलती हुई नज़र आएंगी वो इन लाइंस की फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। तो ये देखें, ये पहली वेव जा रही है, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। तो आप देख सकते हैं कि वेव टू वेव डिफरेंस आपको, ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये वेव लेंथ है। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री को क्रॉस करेंगी, कौन सी बाउंड्री, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है शैलो वाटर और ये आपका है डीप वाटर, गहरा पानी, कम गहरा पानी, तो दो मीडियम आ गए ना। लेकिन जैसे ही ये वाटर वेव्स कम गहरे पानी से, ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी, तो इनका वेव लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो गया। आप देख लें, लाइन टू लाइन डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया है, वेव लेंथ कम होना शुरू हो गया है। और आपको पता है कि वेव की, वेव इक्वेशन क्या है, वी इक्वल्स एफ लैम्डा। अब आप खुद देख लें कि अगर वेव लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो कॉमन सेंस की बात है, इन वेव्स की स्पीड भी कम होना शुरू हो गई है। ये भी एक एमसीक्यू है कि वाटर वेव्स की स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। जब पानी की वेव्स ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी तो इनकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उनका वेव लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है। देख लें आप, यहाँ पर आपको मैंने क्लियर करके डायग्राम इससे एक्सप्लेन कर दिया। और आपकी बुक में ये फिगर कहाँ बनी हुई है, ये आपकी बुक में देखें, ये फिगर बनी हुई है जो मैंने बोर्ड पर अलग से आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो पहला तो इफेक्ट आपको ये ऑब्ज़र्व होगा स्क्रीन पर कि आपको लाइन टू लाइन डिस्टेंस कम ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाएगा। लाइन टू लाइन डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, वेव लेंथ विल डिक्रीज। और वेव लेंथ के डिक्रीज होने का मीनिंग ये है कि वेव्स की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई है। किस फार्मूले के तहत, अकॉर्डिंग टू वी इक्वल्स एफ लैम्डा, जो आप इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने बुक, आपकी बुक ने यहाँ पर लिखी है, वो ये कि क्या जब वेव्स ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ आएंगी तो क्या उनकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नो, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब वेव्स जाएं तो फ्रीक्वेंसी पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है उस सोर्स पर जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे रिपल टैंक के टॉपिक में वेव्स को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स कौन सा था, वो वाइब्रेटर था जो हमने रिपल टैंक पर रखा हुआ था। एक मोटर हमने लगाई हुई थी जो उस मोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वही इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर मोटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स विल नॉट चेंज। मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात भी अपने जहन में बिठा लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अभी मैंने एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी वेव रिफ्रैक्शन की। मैंने तो रिफ्रैक्शन में आपको कहा था कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन वेव्स इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हों तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अभी तक तो डायरेक्शन की कोई ऐसी बात नहीं आई है कि मैंने ये दिखाया हो कि आपको वेव्स की डायरेक्शन चेंज होगी। मैंने तो अभी तक सिर्फ आपको ये बताया कि वेव लेंथ चेंज हो जाएगा। जी याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में वेव्स का वेव लेंथ भी चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चेंज हो जाती है। अब हम रिपल टैंक में इसी को प्रूव करेंगे कि क्या वाकई ही जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हों तो क्या वाकई उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसके लिए हमारा ये लास्ट पैराग्राफ, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अगर आप वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट। आप इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा ऐसे रिपीट करें जो आपने ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें आपने बाउंड्री लाइन लगा दी थी डीप और शैलो वाटर में। आप उस बाउंड्री को किसी एंगल पर रख दें, आप किसी एंगल पर, कैसे, जैसे कि आप 10.15 फिगर देखें आप, जरा यहाँ पर जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये डीप वाटर है और जो कम शेड आपको नज़र आ रहा है ये शैलो वाटर है। तो उसके दरमियान में देखें, ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये किसी एंगल पर रखी गई है, ये बिल्कुल 90 के एंगल पर बाउंड्री नहीं है। जबकि आप दूसरी 10.14 फिगर में आप देखें, यहाँ पर जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है। और याद रखिएगा, जब 90 डिग्री के एंगल पर कोई बाउंड्री लगा देंगे तो फिर वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। ये बात भी पहले हो चुकी है, जहाँ पर भी बाउंड्री लाइन 90 के एंगल पर हो, जैसे ये देखें 90 के एंगल पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये वेव आ रही है, देखें जैसे ये वेव सेकंड मीडियम में जाएंगी ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। जब बाउंड्री कैसे हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो।
लेकिन अगर यही आप बाउंड्री किसी एंगल पर लगा दें या ऐसे लगा दें तो फिर ये वेव जब इंटर होंगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, फिर ये अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज करेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमारी बाउंड्री थी किसके दरमियान, बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर, हम उस बाउंड्री को किसी एंगल पर रख देते हैं। इसको मैंने अलग से भी ड्रॉ किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हम एंगल पर रखेंगे। ये देखें, ये वो बाउंड्री है, ये मैंने डीप और शैलो वाटर के दरमियान में, आप भी इसी तरह की फिगर बना सकते हैं पेपर में, डीप और शैलो वाटर के दरमियान देखिए ये मैंने जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ की है ये किसी एंगल पर ड्रॉ की है, ये 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। अब आपको स्क्रीन पर वाकई नज़र आएगा रिपल टैंक की स्क्रीन पर कि अब अगर वेव्स डीप वाटर से चलते चलते शैलो वाटर की तरफ आएंगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल विल चेंज When they enter from deep to shallow water। ये देख लें, मैं यहाँ पर आप 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करें डी की हेल्प से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैंने यहाँ पर दिखा दी है कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देख लें आप डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी आपकी चेंज हो चुकी है। तो ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो रिपल टैंक से हमने किया है ये प्रूव करने के लिए क्या वाकई ही डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग भी चेंज होती है, तो वो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। दोबारा इसकी रीडिंग पर आते हैं। वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, हम इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर, हम इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करेंगे, वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड शैलो वाटर इज एट सम एंगल। वेव के किसी एंगल पर हमने बाउंड्री को रखना है। वेव ओरिजिनल वेव होता है लेकिन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का मीनिंग पहले भी इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेव फ्रंट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेव्स की। ये जो वेव्स की रिप्रेजेंटेशन जो पेपर पर की जा रही है इसको वेव फ्रंट कहा जाता है, वरना एक्चुअल वर्ड तो वेव ही है, लेकिन जब आप इसको सर्कुलर पैटर्न में या स्ट्रेट फॉर्म में, अगर आप सर्कुलर पैटर्न में शो कर दें तो ये भी वेव फ्रंट कहलाएंगी, लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉर्म में शो कर देंगे उसको भी वेव फ्रंट कहा जाएगा। तो जब पेपर पर वेव को शो किया जाता है तो उसको वेव फ्रंट कहा जाता है। तो जैसे ही अब जब वेव्स ये डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ इंटर होंगी, नाउ वी विल ऑब्जर्व, तो आपको ये नज़र आएगा दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ तो चेंज होंगी लेकिन द वेव्स आल्सो चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल, वेव्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। याद रखिएगा ये जो डायरेक्शन, जो ये जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है ये वेव फ्रंट के हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होगी। तो देखें हमने चेंज ऑफ पाथ को भी प्रूव करके दिखा दिया है रिफ्रैक्शन में, कि चेंज ऑफ पाथ भी रिपल टैंक में प्रूव करके दिखाया जा सकता है। तो दो काम होंगे रिफ्रैक्शन में, दो चीज़ें हमें ऑब्जर्व होगी, एक तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस चेंज हो जाएगा यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज होगा जब वेव डीप से शैलो वाटर की तरफ जाएंगी, और अगर हम बाउंड्री लाइन को, यहाँ तो बाउंड्री 90 डिग्री पर रखी हुई ना हमने, अगर हम अपनी बाउंड्री को किसी एंगल पर लगा दें जैसे कि यहाँ पर देखें एंगल पर लगाया हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें ये वेव्स की डायरेक्शन जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो भी हमें चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। इन दोनों को ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये पूरा पैराग्राफ, और इसकी डेफिनेशन आपने नेक्स्ट पेज पर देख ली है, पेज 14 पर यहाँ पर दी हुई है। तो बच्चों ये हमारी सेकेंड आज करैक्टरिस्टिक्स रिपल टैंक की ख़त्म हो चुकी है, जो कि क्या थी, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, और इसको रिपल टैंक से एक्सप्लेन करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने दोनों फिगर भी वो बनानी आपको पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो कि तीसरी करैक्टरिस्टिक्स होगी और वो लास्ट करैक्टरिस्टिक्स होगी हमारी रिपल टैंक की, हमारी वाटर वेव्स की, वो है डायफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया बेटा।